सर की अगर मैं कितनी भी तारीफ करूं तो वो कम है, सर यहाँ 12 के 12 महीने सर्विस देते हैं, 12 के 12 महीने। दोस्तों हम लोग तो नीचे उतर जाते हैं या बाबा तक 6 महीने के लिए नीचे चले जाते हैं। क्रिटिकल भी लग रही है शायद, कुछ केस हो सकती है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या मोस्टली कौन से पेशेंट रहते हैं, किस बीमारी से रिलेटेड? ये जिनको ऑपरेशन की जरूरत होती है, ठीक उनको भी यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, इस तो देख जो जो कार्डिक पेशेंट में दिया जाता है वो 10-10 हजार के एक एक इंजेक्शन होते हैं। बिल्कुल है, बाईपैप रखा हुआ है, ईसीजी मशीन रखी है। अगर कोई हमारे पास हाइपोथर्मिया का पेशेंट आता है तो हमारे वार्मर है, उसको गर्म हवा करके उसको गर्म करते। और मैम जिन लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं है उनको देख सकते हैं, ब्लैंकेट दे रही है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो स्लीपर भी मिलते हैं, कैप भी मिलती है, जिस तरह टोपे भी मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहता है। जय श्री केदार दोस्तों, जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसा दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि 10 तारीख से 10 मई 2024 से केदारनाथ बाबा की यात्रा प्रारंभ हो गई है, विधिवत प्रारंभ हो गई है। दोस्तों इस बार भक्तों का रिकॉर्ड टूट रहा है, भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों जब वहां पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है तो सुविधाओं की भी कमी हो गई है दोस्तों, है ना। वहां पर इतनी पब्लिक की उम्मीद प्रशासन को भी नहीं थी, किसी को भी नहीं थी कि इस तरह से पहले दिन ही वहां पर इतनी भीड़ टूट पड़ेगी। तो काफी चीजों की वहां पर एकदम से कमी भी महसूस हुई है। लेकिन एक चीज दोस्तों, मैं एक चीज फख्र के साथ कह सकता हूं कि एक मैनेजमेंट ऐसा है जिसने वहां पर पहले दिन से ही सारी की सारी बागडोर संभाल लिया दोस्तों, सारी मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से संभाल लिया है। और वो मैनेजमेंट है जिसकी मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, वो है स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल। अब आप कहेंगे दोस्तों इसका बाबा केदारनाथ के यात्रा से क्या मतलब है, तो दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल। और दोस्तों ये वहाँ पर पूरी की पूरी जो भी भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं उनको छोटी से छोटी बीमारी से लेकर के मेजर अटैक तक के वहाँ पर इलाज निःशुल्क किया जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल को लेकर के, और ये मेरे सामने है स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल। दोस्तों ये यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा और ये बद्रीनाथ में भी आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। देखिए भक्तों की लाइन लगी हुई है, पूरी लाइन लगी हुई है, तो इनमें से ना कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है, किसी की कम तबीयत खराब हो जाती है तो किसी की ज्यादा भी तबीयत खराब हो जाती है, कई बार पेशेंट सीरियस भी हो जाता है, तो फिर ये कैंप काम आता है। और ये सेवार्थ है, निशुल्क है, बिल्कुल निशुल्क है। हाँ, स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल है और बिल्कुल निशुल्क है। और यहाँ की अगर अभी मंदिर ले जाके आपकी पूरी बात कराता हूँ, लेकिन जितनी मेरे को जानकारी है उसमें इतनी जानकारी है कि यहाँ पर डॉक्टर्स लोग आते हैं और खुद अपनी सर्विस देते हैं, 10-10, 15-15 दिन यहाँ पर रह के जाते हैं। फिलहाल अंदर चलते हैं, बाकी जानकारी अंदर से लेंगे। और मैं दिखा भी दूँ कि आप लोगों को यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंट है पूरे और ये वार्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कुछ पेशेंट। गुड इवनिंग सर, फिल्मा लूँ? हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पेशेंट्स हैं, प्रॉब्लम हो गई, किसी को सांस की प्रॉब्लम हो सकती है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ और हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्रिटिकल भी लग रही है शायद कुछ केस, तो सर से बात करेंगे हम अभी। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। हाँ, मैं आया हूँ, मैं जैसे मैं आप लोगों का बाहर बोर्ड देख के, मैं रेगुलर आने वाला हूँ इस रूट पे, तो मैंने यही चीज़ें आपका बद्रीनाथ भी देखी थी, तो उसी चीज़ में मैंने यहाँ देख करके अंदर आ गया हूँ। तो जैसे ये आपका यहाँ केदारनाथ में स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा ये यहाँ कब से चल रहा है? ये यहाँ पे श्री केदारनाथ जी में 2019 जी जी जी, ये सब बिल्कुल निस्वार्थ है और बिल्कुल निशुल्क है, इनमें कोई भी चार्जेस नहीं है जो धामों में हॉस्पिटल है जी। ठीक। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपका इंट्रोडक्शन ले लिया, और आप पहले अपना नाम बता दीजिए और डेजिग्नेशन बता दीजिए कि आप यहाँ पर किस पोस्ट पर हैं। जी, मैं धनवीर हूँ जी, मेरा नाम धनवीर है। मैं वैसे फार्मासिस्ट हूँ जी, लेकिन ऐसे यहाँ पे मैं व्यवस्था देखता हूँ, जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं होती, चाहे वो इमरजेंसी से लेकर हो, चाहे फार्मेसी से लेकर हो, चाहे आने वाले जो हमारे स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं,
उनकी व्यवस्था, पूरा पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में है, वो सब बाबा की कृपा है, हम तो एक नहीं नहीं चलो वो तो माध्यम है फिलहाल, तो नीचे जमीन पर तो मतलब देख रेख करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बाबा ने कर दिया ये समझ लीजिए, सब बाबा की कृपा है जी। तो एक और आप जैसे रहने वाले किधर के हैं? जी मैं उत्तरकाशी का रहने वाला, उत्तरकाशी का रहने वाला है। और ये कैंप कब स्टार्ट हुआ था? ये ऑफ सीजन में भी ये चालू था, वैसे बंद नहीं था, लेकिन मतलब बंद तो वैसे क्लोज था, सारी चीजें बंद थी, लेकिन जो नॉर्मल लेबर वाले हैं उन लोगों को दवाई जी जी हाँ, कोई ना कोई स्टाफ का बंदा यहाँ होगा जी। मैं खुद था, अच्छा आप ही खुद थे, पूरे 6 महीने ऑफ सीजन यहाँ पे रहा हूँ। अरे और अब तो सीजन है, अब तो आपको जाने को ही नहीं देगा, तो आप तो रहना ही पड़ेगा। हाँ मैं वही तो, आप तो कोई जाने नहीं देगा जी। ऑफ सीजन में भी यहाँ पे था मैं, तो जी जी काफी सारे लोग थे, आईटीबीपी के लोग थे और लाइट वाले थे, जीएनबीएन वाले थे। हाँ मैं देख रहा हूँ ना कि क्योंकि पहले तो क्या होता था कि जैसे यात्रा खत्म हो जाती थी तो पूरा का पूरा लोग बाग ज्यादातर 90% नीचे उतर जाता था, सिर्फ मैंने कहा आर्म फोर्स रह जाती थी शायद, है लेकिन अब कंस्ट्रक्शन चल रहा बड़े लेवल पे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ जी जी जी, जी तो उनको के लिए हमको थोड़ा वो आया था, तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं और जो हमसे सेवाएं होती हैं हम लोग जी जी जी। लेकिन मोस्टली कौन से पेशेंट रहते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है? और हाइपोथर्मिया के पेशेंट बहुत सारे आते हैं, कार्डिक पेशेंट काफ़ी आते हैं, ट्रोमा पेशेंट भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे। मैं पिछले साल का आपको डाटा दूँ तो 300 से 350 के आसपास हमने यहाँ पे लोगों का प्लास्टर किया है, जिन जो फ्रैक्चर आते हैं जी, जिनको मतलब जो मतलब क्लियर ऐसा फ्रैक्चर होते हैं जो जिसकी जो नीड होती है, जिनको ऑपरेशन की जरूरत होती है, ठीक ठीक ठीक, उनको भी यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दिया जाता है, फर्स्ट एड दी इतना ट्रीटमेंट दे देते हैं कि वो हॉस्पिटल तक चला जाए, हॉस्पिटल तक नीचे चला जाए। अच्छा कभी ऐसी कुछ देखे मुझे कहना नहीं चाहिए, तो क्या कभी आपके जैसे बेस कैंप में इन 4 साल में जैसे 19 से चल रहा है, क्या मतलब 5 साल में चल रही है 5th में, कोई कैजुअल्टी हुई है यहाँ? नहीं कैजुअल्टी तो मेरे 5 सालों के एक्सपीरियंस से मेरे पास भगवान की बाबा की केदार से अभी तक 1 या 2 कैजुअल्टी हुई है, जो सिक पेशेंट थे मतलब जिनकी जो गैस पिन में आए हैं, जिनका कुछ मतलब हो नहीं सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता है, वो आए हैं यहाँ पे, हमने जो मेहनत किया उनको इंक्यूबेट करके भी उनको जो हमारे पास आईसीयू है पूरा इंक्यूबेट करके उनको सेटल करने की कोशिश किया है, बाईपैप से लेकर वेंटी से लेकर, फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए। वो सिर्फ 2 पेशेंट है जो मेरी नॉलेज में है, जो मेरे मतलब 5 सालों के नॉलेज में है, वो सिर्फ 2 पेशेंट है, वो पिछले 2023 की बात है। अगर मशीनरी की बातें करी जाए तो क्या क्या चीजें आपके पास जी? मेरे पास ECG है जी, वेंटिलेटर है, डीफैब है, कार्डिक मॉनिटर है, बाईपैप है और कार्डिक मॉनिटर है, मेरे पास इन्फ्यूजन पंप है जी, ये सारी चीजें हैं, और डिजिटल एक्सरे है, वो मेरे पास अभी नया एक्सरे आया है, वो अभी एक न्यूरो सर्जन आए थे, उन्होंने कहा था कि वो रिकमेंड कर रहे थे कि ये मुझे भी चाहिए, दिल्ली के एम्स के हैं और ये नॉर्थ एरिया में कहीं नहीं है, वो सिर्फ हमारे हॉस्पिटल केदारनाथ में है, वो कम से कम 30-35 लाख की एक मशीन जी है जी, मैं जी, आपको दिखाऊंगा भी, अगर आप देखना चाहेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि ये चीजें जो स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट है, हर ट्रस्ट इतने हाई लेवल पे इलाज नहीं कर पाता, तो ये जरूर पता लगनी चाहिए मुझे भी और जो यहाँ पर आते हैं जितने भी भक्त लोग आते हैं सबको पता लगना चाहिए कि अगर बाय चांस हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बाबा की कृपा से हमको मिल जाएगा। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे भी 4 से 5 डॉक्टर्स हैं जो आप लोगों के पास आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल जरूर मेरी जानकारी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेके, उम्मीद करता हूँ बहुत दूर तक ये जानकारी पहुंचेगी, और बाकी अगर आप कुछ दिखाना चाहें तो मैं देख सकता हूँ जी बिल्कुल, मेरे पास सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स है। हाँ तो देख जो जो कार्डिक पेशेंट में दिया जाता है वो 10-10 हजार के एक एक इंजेक्शन होते हैं जी जी जी, और वो मेरे पास भी अवेलेबल है जी, और ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स रखे हुए हैं हमने, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ काफी काफी तादाद में आपके पास मेडिसिन है। वेंटी है जी, वेंटी अगर आप ऐसे बोलने के लिए होता है कि नहीं मेरे पास वेंटी है, लेकिन हम दिखा सकते हैं ये वेंटी है, बिल्कुल बिल्कुल वेंटी है, बाईपैप रखा हुआ है, मशीन है। और दोस्तों मैं अभी बताऊं, जब स्टार्टिंग में आया था तो यहाँ पर एक पेशेंट था, उनकी हालत ज्यादा खराब थी तो उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया कि आप नीचे हॉस्पिटल में ले जाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनको थोड़ी थोड़ी दर्द में अटैक्स आ रहा था, आई थिंक ऐसा ही था ना जी, क्योंकि वो वेदर्स में यहाँ पे अपने आपको स्टेबल नहीं कर पा रही थी। अगर कोई हमारे पास हाइपोथर्मिया का पेशेंट आता है तो हमारे वार्मर है, उसको गर्म हवा करके उसको वार्मर गर्म हवा करके गर्म करते जी जी जी। हमारे पास वार्ड है ये, तो मेल वार्ड देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ पे भी सारी सुविधाएं हैं, मॉनिटर लगा हुआ है, डबल डबल मॉनिटर है, सारी चीजें हैं, बेड है,
ड्रेसिंग टेबल है जिसे स्टिच वगैरह है मारते हैं जिसको तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ जो एक हाई क्लास हॉस्पिटल में सुविधाएं होती है ना वो आपको एक छोटे से कैंपस के अंदर ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि किसी को कोई परेशानी अगर कोई पेशेंट इस तरह का आ जाता है तो उसका इलाज अच्छे से हो जा सके जान बचाई जा सके। जी सर बिल्कुल और हम लोग सेवाएं करते हैं और ये सब बाबा की कृपा है और सब लोगों का आशीर्वाद है। नहीं सेवा तो में लोग जैसे भी के आते हैं जी कोई लोग जिसके पास कोई कंबल कपड़े नहीं है कंबल या फिर जूते चप्पल नहीं होते टूट जाते हैं तो उनके लिए हमारे पास कंबल हम लोग कंबल भी देते हैं और चप्पल चप्पल भी प्रोवाइड करवाते हैं और जैकेट वगैरह है। ये आने वाले एक ट्रक सामान अभी मेरे नीचे पड़ा हुआ है वो ऊपर आएगा। जी जी यात्रा तो क्योंकि कल से स्टार्ट है जो कल हाँ कल से स्टार्ट है लेकिन हमारा सामान अभी नीचे पड़ा हुआ है वो आने वाला है। तो जैकेट टोपी ग्लव्स आपके मोजे और क्रॉक्स ये सब आएंगे और ये सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं इसमें कोई भी चार्ज जैसे बिल्कुल बिल्कुल चार्ज नहीं दिया जाता इसका। तो जैसे ये आपका धर्मार्थ है चैरिटेबल है तो इसमें आप लोगों के साथ डॉक्टर्स ही जुड़े हुए हैं या कुछ और सेक्टर के लोग भी जुड़े हुए हैं? जी अन्य लोग भी हैं जो अपनी जो अपना सेवा करते सेवा करना चाहते हैं वो अन्य लोग भी डॉक्टर्स तो हैं ही हमारे जी जी लेकिन जो अन्य लोग भी वो भी जुड़ सकते हैं। ठीक आप जैसे लोग भी हैं सब बिल्कुल 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 हम तन मन धन से साथ हैं। तो दोस्तों काफी सारी जानकारी यहाँ पर मिल रही है अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जानकारी ये सारी जांचें हमारे यहाँ होती है जो आपको देहरादून में जांचें होती है वो सारी जांचें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती है जो भी होता है ये सारी चीजें। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पैथोलॉजी लैब है मेरा जी सारी जांचें होती है। ये एक्सरे की मैं बात कर रहा था ये डिजिटल डिजिटल एक्सरे है ये 30 से 35 लाख का ये सेटअप है ये तीन चीजें एक दो तीन हाँ वही ना छोटे से एरिया में क्यों नहीं तो अदरवाइज तो पूरा रूम चाहिए होता एक्सरे रूम को बिल्कुल। और ये मतलब पेशेंट जहाँ मतलब जैसे जैसे हमारे पास बड़ा सेटअप होता है तो हम जैसे पेशेंट कोई गिर जाता है कहीं पे तो वो वहाँ हम ये एक्सरे सेटअप नहीं ले जा सकते लेकिन ये इसको जैसा कैरी कर सकते हैं हम ये मोबाइल वहाँ पे वहीं पे जाके वहीं पे जो है उसका एक्सरे करके वहीं पे उसको ट्रीटमेंट दे सकते ट्रीटमेंट दे सके और वहीं से फर्स्ट एड लेके उसको हॉस्पिटल ला सकते हैं। हाँ तो ये चीज देखो रेडिएशन नहीं है वैसे रेडिएशन इसका जैसे आप जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो पांच लोग जितना हम पांच मोबाइल चलाते हैं इतना इसका रेडिएशन होता है यानी माइनर रेडिएशन है बिल्कुल बिल्कुल रेडिएशन है ही नहीं। जी जी तो और दोस्तों मैं देख रहा हूँ जैसे यहाँ पर लैब है जिसको आप रिपोर्ट कराने के पता लगा सुबह से शाम हो जाती है तो वो लोग भी यहाँ पर स्वामी ये विवेकानंद चैरिटेबल है इसमें ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ आप लोगों का सेवा जो हो रही है ये गजब सल्यूट है सर आप लोगों को। तो दोस्तों मैं समझता हूँ काफी सारी जानकारी मिल गई तो जो इस रूट पे आ रहा है तो बेफिक्र होकर आ सकता है पर अपना मेडिकल वैसे चेकअप करा के नीचे से ही आए अगर कोई क्रिटिकल केस है तो आना नहीं चाहिए ये तो मजबूरी का केस है कि यहाँ पर आपको इलाज कराना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी और ये जानकारी मैं समझता हूँ शेयर करने वाली है तो इस जानकारी को आगे शेयर करते रहें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अभी एक गर्ल्स आई कि मेरे फादर गिर गए हैं तो एकदम से डॉक्टर झट से उठ के आए और एकदम से पेशेंट पर देखने लगे तो यही भावनाएं हैं यहाँ पर ये भावनाएं हैं यहाँ पर। ये देखो साहब हार्ट अटैक का एक पेशेंट पड़ा हार्ट अटैक क्लियर कट देख सकते हैं एक हार्ट अटैक का भी एक पेशेंट यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों के पास अपना ब्लैंकेट वगैरह या गर्म कपड़े नहीं होते तो यहाँ पर प्रोवाइड करा दे ये सुविधा भी यहाँ पर है इलाज के साथ साथ आपको किसी भी तरह का कोई भी चीज़ की यहाँ परेशानी नहीं होने देंगे। तो ये कमिटमेंट है स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल का। और मैम जिन लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं उनको देख सकते हैं ब्लैंकेट दे रही है और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो स्लीपर भी मिलते हैं कैप भी मिलती है जस्ता टोपे भी मिलते हैं सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहता है। और सर की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है इधर। हाँ मैम वहाँ है अरे सिस्टर सर की अगर मैं कितनी भी तारीफ करूँ तो वो कम है सर यहाँ 12 के 12 महीने सर्विस देते हैं 12 के 12 महीने। दोस्तों हम लोग तो नीचे उतर जाते हैं या बाबा तक 6 महीने के लिए नीचे चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से विदा होने का टाइम आ गया है और आप लोगों को पता है कि मैं रात इन लोगों के साथ ही रुका हुआ था। हाँ तो अब यहाँ से चलते हैं और मैंने पूरा दिखाया कि ये लोग कितनी निस्वार्थ सेवा करते हैं हर आदमी की और मेजर कंडीशन में भी सेवा करते हैं और नॉर्मल खांसी जुकाम तक की भी मेडिसिन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। अभी आप अंदर देखो एक हार्ट का पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आया हुआ अंदर तो उसका इलाज भी यहाँ पर किया जा रहा है। हाँ और फिलहाल अपना बैग उठा लेते हैं रूम में से और चलते हैं फिर नीचे की तरफ।